अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपको इस अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एसटी पार्क से कैसे आप मींस के मुकम्मल आप मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि आपने इस पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और इससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। देखें, अगर आप $50 इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेली का $1 से $2 आपको मिलेंगे। ठीक है, डेली के अगर आप $100 इन यहाँ पे डिपॉज़िट करते हैं तो आपको डेली के जो है वो $3 से $4 मिलेंगे। अगर आप $200 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेली के $6 से $9 तक मिलते हैं। और इस वेबसाइट की एक खूबसूरत बात ये भी है कि क्योंकि दूसरी वेबसाइट जो होती है वो ये होता है कि अगर हमें वो $25 पे विड्रा दे रही हैं तो हम अगर $200 या $500 पे इन्वेस्टमेंट करें तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो एक से स्टार्ट होगा। तो इसमें यह है कि अगर हम $200 इधर ऐड करेंगे तो जो प्रॉफिट हमारा होगा वो जब हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $200 में से अगर $6 हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो $206 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यह भी है कि $25 पे इसका विड्रा है। तो यह है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे $200 इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आप उसी वक्त उसका विड्रा भी ले सकते हैं थ्रू बैंक अकाउंट या बिनांस के अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर आपने डिपॉज़िट कैसे करना है। डिपॉज़िट के लिए आपने ये देखें मोर पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉज़िट। ठीक है, कोई भी यहाँ पे देखें मिनिमम पैकेज जो है वो $50 है तो आप $50 इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर $50 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, ये देखें $50 पर क्लिक किया प्लीज़ सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप जिस मेथड के थ्रू आप पेमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो मेथड आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ओमनी TRC ERC, तो जिस मेथड से आपने इसको ट्रांसफ़र करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डिपॉज़िट करते हैं और यहाँ से आप विड्रा ले सकते हैं। ठीक है, विड्रा जो है वो बैंक अकाउंट से भी आप ले सकते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट बना होता है ना आप बैंक अकाउंट से भी विड्रा इसका ले सकते हैं। USDT TRC, ये देखें यहाँ से आप जो भी विड्रा लेंगे, ज़्यादातर हम जो हैं वो TRC से ही लेते हैं। तो TRC जो है वो बिनांस का अकाउंट है, बिनांस अकाउंट। अगर आप हाँ, अगर यहाँ पे भी दो ऑप्शन है कि हम बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं और TRC मींस के बिनांस के अकाउंट में भी ले सकते हैं, तो इसमें भी दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंक अकाउंट में लेंगे तो उसका जो है हमें $1 का 176 रुपये मिलेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी 186 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी को बिनांस में लेते हैं तो हमें $1 का 196 रुपये मिलेंगे अगर हम बिनांस में लेते हैं। और बिनांस का एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे हम जो है ना वो अगर रखते हैं तो हमें जब डॉलर्स ऊपर जाता है तो वो हम वहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और बिनांस से हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बिनांस का भी एक अच्छा ये है कि हम बिनांस में से जब डॉलर्स की कीमत कम होती है तो हम वहाँ से बाय कर लेते हैं, और जब डॉलर हाई हो जाता है उसकी रेटियो बढ़ जाती है तो हम उसको सेल कर देते हैं अच्छे प्राइस में। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप किसके थ्रू आप ले सकते हैं विड्रा। और दूसरा एक हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप रेफर जो कमीशन होता है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 20% जो है वो रेफर का कमीशन आपको दिया जाता है, 20% जो आप इन्वेस्टर अगर आप रेफर वो होता है अगर आपने 200 इन्वेस्ट किया आप किसी और को कहेंगे कि वो भी इन्वेस्ट करे, वो अगर आपके थ्रू या मींस के यहाँ पे मैं आपको ये देखें शेयर टू मेक मनी। ठीक है, ये कॉपी लिंक है आपका, ये आपका माई शेयरिंग कोड है। ठीक है, ये आप लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी सक्सेसफुली देखा और जो आपको कहेगा कि मैंने अकाउंट बनाना है इस पर और इन्वेस्टमेंट करनी है तो यह आपने यहाँ से कॉपी लिंक करके उसको दे देना है। तो वो करेगा कि आपके इसी जो कोड से है वो ज्वाइन होगा, लॉगिन होगा और जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका 20% जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। ये देखें यहाँ पे तो नीचे इसकी स्टेजेस भी लिखी हुई हैं, फर्स्ट कमीशन, सेकंड कमीशन, थर्ड कमीशन और उसके बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल मेंबर और थर्ड लेवल मेंबर। ठीक है, तो इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट कमीशन वो होता है कि जो आपका रेफर वो जो आपके रेफर के थ्रू मिलते हैं। सेकंड कमीशन वो होता है कि जो आपके रेफर का रेफर आए,
थर्ड कमीशन होता है जो आपके रैपर के रैपर का रैपर है, ठीक है। मीन्स के जितनी बड़ी आपकी जो है वो टीम बनती जाएगी, आपको वो जो है ना वो उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। रैफर्स में बहुत ज़्यादा है, आप यही समझ लें कि रैफर जो है ना वो आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं और उससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जो आपकी एग्जैक्ट होगी ये पेमेंट, तो रैफर अगर आप ऐड करवाएंगे तो उसकी भी आपको दुगनी पेमेंट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।